लैपटॉप मास्टर में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त निशांत आज फिर आपके सामने एक नई वीडियो और एक नए लैपटॉप के साथ। हमने पीछे वीडियो बनाई थी जो 15S एचपी ने लॉन्च किया था i3 में, तीन कलर में लॉन्च किया था। आज हम आपके लिए लेके आए हैं i5 के अंदर तीन कलर। जी हाँ, एचपी ने i5 13 जनरेशन 15S में भी लैपटॉप लॉन्च किए हैं जिसके तीन कलर सेम उसी तरीके से i3 के से लॉन्च किए हैं। एक सिल्वर है, एक व्हाइट है और एक ब्लू है। तो आज हम तीन में से एक लैपटॉप की अनबॉक्सिंग करेंगे। पिछले हमने i3 में व्हाइट कलर किया था, आज हम ओपन करेंगे ब्लू कलर। तो दोस्तों ये रहे तीनों लैपटॉप आपके सामने। दोस्तों ये तीन मॉडल लॉन्च किए हैं एचपी ने, FD00011TU, FD00021TU और FD00022TU। इसमें से FD00011TU जो है वो नेचुरल सिल्वर कलर में है और FD00021TU मूनलाइट ब्लू में और FD00022TU है डायमंड व्हाइट में। तो दोस्तों इसकी कॉन्फ़िगरेशन i5 13 जनरेशन है, 8GB रैम में और 512GB SSD के साथ HP ने इसमें लॉन्च किया है और ऑलमोस्ट बॉडी वही रखी है या नहीं रखी है। हम लैपटॉप को ओपन करते हैं। नेचुरल सिल्वर हमने बहुत ओपन कर लिए, व्हाइट कलर हमने पीछे ओपन किया था, आज हम ओपन करते हैं ब्लू कलर को। तो दोस्तों करते हैं ब्लू कलर की अनबॉक्सिंग। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं इस लैपटॉप का भी हम बैक पैनल ओपन करेंगे, तो वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा, आपको बैक पैनल ओपन करके दिखाएंगे। और जिन्होंने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, आगे भी आपके लिए नए नए लैपटॉप की वीडियो हम लेके आते रहेंगे। दोस्तों लैपटॉप हमारा ओपन हो गया है, वही हमेशा की तरह 65 वॉट का पावर अडैप्टर, प्रीमियम पावर कोर्ड और मैनुअल पैकिंग, इनको हम करते हैं साइड में। सबसे पहले आते हैं मुद्दे पे, हमारा मुद्दा है लैपटॉप। देखिए अगर मैं ये ना कहूं तो मुझे तो ये ऐसा लग रहा था कि पवेलियन सीरीज आ गई है अंदर, कहीं एचपी ने गलती से पवेलियन सीरीज तो नहीं डाल दी यार। फिनिशिंग और लुक तो बिल्कुल पवेलियन सीरीज जैसी लग रही है। देखिए अगर पीछे से ना देखू ना, ऊपर से ही देखना बॉस, नीचे से मत देखना, नीचे तो आपको 15S दिखाई देगा, ऊपर से देखिए ब्लू कलर ही दिखाई देगा आपको और पवेलियन सीरीज लगेगी। देखते हैं बिल्ड क्वालिटी। बिल्ड क्वालिटी इस सीरीज के अंदर एचपी बहुत बेटर कर चुका है अपनी पहली वाली सीरीज से। देखिए पहले लगता था फाइबर है, इसमें ऐसा लग रहा है कि मेटल ही है, मेटल फिनिश है, मेटल नहीं है। बैक पैनल बिल्कुल वैसा ही है, बैक पैनल देख के मजा नहीं आ रहा, थोड़ा सा इसे भी नीला पेंट मार देते हैं। यहां पे सिल्वर, सेम सिल्वर आया। मैं एचपी से यही रिक्वेस्ट करूंगा एटलीस्ट ब्लू कलर में ऐसा ना करें, यहां पे भी ब्लू ही दे देते सी पार्ट को भी तो मुझे ज्यादा अच्छा लगता पर्सनली। देखिए हमारा ए पार्ट तो ब्लू है, बी पार्ट हमारा हल्का सा क्रीमिश कलर में आ जाता है और सी पार्ट हमारा आ रहा है नेचुरल सिल्वर कलर में। मैं यहां पे यही रिक्वेस्ट करूंगा एचपी से कि व्हाइट कलर में अच्छा लगा था क्योंकि व्हाइट कलर बहुत ज्यादा डस्ट पकड़ता है, बहुत ज्यादा गंदा लगता, लेकिन ब्लू कलर मुझे यहां पे भी ब्लू कलर बड़ा अच्छा लगता, लेकिन ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है, मैं नहीं कह सकता कि आप लोगों को कैसा लगेगा, लेकिन ओवरऑल लैपटॉप अच्छा लग रहा है। यहां से देखेंगे तो पवेलियन सीरीज, यहां से देखेंगे तो हमारी 15S की जो ऑलरेडी आती है। हालांकि माउस पैड इसका बड़ा दिया है एचपी ने, इमेज पैड जो है ये पहले 15S जैसा नहीं है। लैपटॉप के लेफ्ट साइड में देखते हैं, एक आपका चार्जिंग के लिए पावर जैक है, दूसरा आपका यूएसबी मिलता है सुपर स्पीड, यूएसबी सुपर स्पीड। दूसरा आपको पोर्ट दिखाई देता है HDMI 1.4 जिससे आप प्रोजेक्टर और LED टीवी को आप कनेक्ट कर सकते हैं। साथ में आपको दिखाई देता है टाइप सी और एक 3.5mm का ऑडियो जैक आपके स्पीकर और हेडफोन के लिए। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, देखते हैं लैपटॉप की कॉन्फ़िगरेशन क्या है। सबसे पहले देखते हैं सीपीयू। सीपीयू इसमें इंटेल का कोर i5 13 जनरेशन 1335U प्रोसेसर आपको मिलता है जिसकी बेस स्पीड 1.3 GHz है। देखिए मैं व्यूअर्स को कहना चाहता हूं कि आप ये मत सोचिएगा 1.3 GHz है, ये तो बहुत कम है। बहुत लोग मैंने देखा है कि वो सोचते हैं यही इसकी स्पीड है। टर्बो बूस्ट टेक्नोलॉजी के साथ आते हैं अब सारे प्रोसेसर, इसकी भी मैक्सिमम जो फ्रीक्वेंसी है बूस्ट अप होके 4.6 GHz तक जाती है। 10 कोर का प्रोसेसर है, 2 इसमें परफॉर्मेंस कोर है, 8 एफिशिएंट कोर है, 2 परफॉर्मेंस कोर है, उन्हीं की मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 4.6 GHz तक जाती है, बाकी जो 8 है उनकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी क्लॉक स्पीड जो है वो 3.4 GHz तक रहती है। L3 कैशे की बात करेंगे तो 12 MB की इसमें L3 कैशे आपको मिलती है। 8GB की रैम है, 3200 MHz की रैम है, 13 जनरेशन में भी मतलब 3200 MHz की रैम ही अभी तक चलती आ रही है। मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा आगे कम से कम DDR5 अब लॉन्च करें,
कंपनीज, स्लॉट्स दो है, दोनों में दोनों यूज है, 8 GB में भी दोनों यूज है क्योंकि इसमें इंटेल आई एस एक्सी ग्राफिक्स है, इंटेल आई सी ग्राफिक्स के साथ हमेशा पेयर में ही रैम आती है तभी इंटेल आई एस एक्सी ग्राफिक काम करेगा, अदरवाइज यूएसडी में कन्वर्ट हो जाएगा। डिस्क की बात करेंगे, इंटेल की 512 GB की इसमें एसएसडी लगी हुई है। मैं एसएसडी की बात बता दूं क्योंकि हमारे एक व्यूअर्स ने कहा था कि हमारे आपने जो लैपटॉप दिखाया उसमें इंटेल की थी, जो मैंने लैपटॉप लिया हुआ है उसमें सैमसंग की है। देखिए ये एक बैच के अकॉर्डिंग होता है, एसएसडी की कंपनी चेंज हो सकती है, उसका मतलब ये नहीं है कि आपके साथ चीटिंग हुई है, वो हो सकता है। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि अगर इंटेल की एक में आई है तो सभी में इंटेल की आएगी। बात करते हैं वाईफाई की, तो वाईफाई इसमें 6AX मिलता है और ब्लूटूथ 5.3 है जो ऑलरेडी ही काफी फास्ट है, पहले गेमिंग लैपटॉप में आता था अब 15S लैपटॉप में भी आने लगा है। ग्राफिक्स इंटेल आईसी ग्राफिक्स आपको मिलता है जिसमें इंटेल में अपनी कोई भी डेडिकेटेड मेमोरी नहीं होती है ग्राफिक्स के लिए, वो हमेशा शेयर करता है। इसमें भी 3.8 GB शेयर्ड ग्राफिक्स है जो आप कह सकते हैं 2 GB MX350 के इक्विवेलेंट होता है, अप्रोक्सीमेटली थोड़ा सा कम होता है, आप अप्रोक्स कह सकते हैं उतना वर्क कर जाता है। HP इसके अंदर 15.6 इंचेस का फुल HD स्क्रीन देता है, डुअल साइड नैरो है, इसमें आपको 250 निट्स मिलते हैं और 45% NDLC एनडी ग्लेयर इसके अंदर डिस्प्ले आपको आता है। कैमरे की बात करें तो HP इसके अंदर 2 MP का कैमरा देता है फुल HD। तो दोस्तों वक्त आ गया है जिसका सभी को इंतजार रहता है, लैपटॉप का बैक पैनल ओपन करने का, तो चलिए लैपटॉप का बैक पैनल ओपन करते हैं। तो दोस्तों बैक पैनल हमारा ओपन हो गया है, तो आइए देखते हैं इसमें क्या क्या हम अपग्रेड कर सकते हैं, कहाँ पे क्या क्या पार्ट्स लगे हुए हैं, आइए देखते हैं। तो दोस्तों देखते हैं, यहाँ प्रोसेसर है जो हीट सिंक के साथ कनेक्टेड है फैन से, ये आपका मदरबोर्ड लगा हुआ है, 4 GB की 2 RAM इसमें लगी हुई हैं, आप कवर हटा के देखेंगे 4 GB की 2 RAM है इसमें, यहां आपकी SSD लगी हुई है, आप RAM भी अपग्रेड कर सकते हैं SSD भी अपग्रेड कर सकते हैं, और ये 3 सेल की बैटरी है 41 Wh के साथ जो आपको बैटरी बैकअप अप्रोक्सीमेटली 6 से 7 घंटा दे देती है। यहां पे 2 स्पीकर्स आपको मिलते हैं, ये आपका वाईफाई 6AX। आज हमने ओपन किया i5 13 जनरेशन का 15S जो HP ने रिसेंटली ही लॉन्च किया है। देखिए अगर मैं इसकी बिल्ड क्वालिटी की बात करूं तो HP ने बहुत ज्यादा इंप्रूव किया है अपनी बिल्ड क्वालिटी को, इसमें कीबोर्ड चेंज किया है, कीबोर्ड के अंदर आपका इसमें इमोजी की दी है, साथ में माइक म्यूट का बटन भी इसमें आपको दे रखा है। आजकल देखेंगे ऑनलाइन क्लासेस और आजकल ऑफिस भी घर से ही चलते हैं, प्रेजेंटेशन होती है, जूम मीटिंग्स होती है, तो उसमें आपको बार बार स्क्रीन पे जाने की जरूरत नहीं है, एक बटन दबा के आप माइक का बटन म्यूट कर सकते हैं। देखिए वर्किंग की बात करें तो अगर आप, मैं इसमें कहूँ कि 3D Max वगैरह जो भी हार्डकोर गेमिंग्स हैं और आपके डिजाइनिंग का काम है, आप वो आप काम छोड़ दीजिए क्योंकि उसमें 4 GB डेडिकेटेड ग्राफिक्स की रिक्वायरमेंट आती है, उसके अलावा आप इसमें सारी वर्किंग कर सकते हैं। अगर आपको कोडिंग करनी है आप कोडिंग कर सकते हैं, आपको प्रोग्रामिंग करनी चाहिए तो प्रोग्रामिंग भी कर सकते हैं, आप कोरल फोटोशॉप भी आप इस पे यूज कर सकते हैं। हाँ एग्जैक्ट कलर क्लैरिटी आपको नहीं मिलेगी, उसके लिए आप जो भी लैपटॉप चूज करें उसमें 100% sRGB होने की जरूरत है, इसके अंदर 45% है तो थोड़ा बहुत कलर डिफरेंशिएट हो जाता है, अदरवाइज आप इसमें अगर यूज करना चाहें तो कोरल फोटोशॉप आप इसमें यूज कर सकते हैं। बहुत अच्छी स्पीड नहीं चाहिएगी, अगर आपको बहुत ज्यादा स्पीड चाहिए होगी, आपका बहुत प्रोफेशनल वर्क है तो आप डेडिकेटेड ग्राफिक्स के साथ ही जाइएगा। देखिए दोस्तों बात करेंगे प्राइसिंग की, तो HP ने इसके प्राइसिंग 66,000 के अप्रॉक्स में रखा है, 66,000 SRP आपको मार्केट में इससे कम ही मिलेगा। मैं थोड़ा सा, मुझे 15S में प्राइसिंग थोड़ा सा ज्यादा लगा, लेकिन HP टाइम टू टाइम कॉल लेता रहता है और उसे चेंजेस करता रहता है। अगर आप वारंटी की बात करेंगे तो 1 ईयर ऑन साइट वारंटी मिलती है और 3 ईयर्स अपग्रेड करने की ऑप्शन आपको मिल जाती है। ये लैपटॉप आप फिजिकली देख के ही लीजिएगा, कहीं ऐसा ना हो आप ऑनलाइन चेक करें और फिर आप ऑर्डर कर दें, क्योंकि इसमें कलर का बड़ा डिफरेंस है, क्योंकि फ्रंट हमारा जो ए पार्ट है ब्लू है, सी पार्ट है लिटिल बिट क्रीमिश कलर का है, और जो बी पार्ट है वो नेचुरल सिल्वर कलर का है। एक बार आप स्टोर पे विजिट करके ही कलर्स को देखिएगा। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा, आपके सजेशन ही हमें इम्प्रूव करने में बड़ी मदद करते हैं। वीडियो के
अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। हाँ, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, आगे भी नए नए लैपटॉप की वीडियो हम आपके लिए लेके आते रहेंगे। तो दोस्तों, मिलते हैं नई वीडियो में एक नए लैपटॉप के साथ। जय हिंद।